हेलो एवरीवन मैं मैं भीपांशी गोस्वामी आज का डेट है टेंथ जून 2020 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स से जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बैलाइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 2020 की जो करंट अफेयर्स है मार्च अप्रैल और मई के उसके कम्पैलेशन्स मिल जाएंगे और यहाँ आपको धीरे धीरे सभी के कम्पैलेशन्स मिलना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है वीडियोस हो या इन्फॉर्मेशन हो तो इसको चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और यहाँ जो है अभी सेल uh, चल रही है बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के डिस्कशन के तरफ आगे बढ़ते हैं आज का सें पहला जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी जो कि अनटेस्टेड ड्रग्स अंडर ट्रायल उसके जो इम्पोर्ट है उसको अलाउ कर सकती है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने अभी न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में Uh, संशोधन किया है और ये जो संशोधन जो है ये जो अमेंडमेंट जो है वो अभी जो कि मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस है उसके इम्पोर्ट के लिए जो uh, मतलब उन मेडिसिन के इम्पोर्ट के लिए uh, कोई भी मतलब गवर्नमेंट और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है ये अभी सक्षम करेगा तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है टू प्लान इंटू डिपेस्ट रिसेशन सिंस वर्ल्ड वॉर टू तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी में ये प्रेडिक्ट किया है कि ये जो है 5.2 परसेंट तक ये श्रिंक हो जाएगा विच इज़ द डिपेस्ट प्लान सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये फॉरकास्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है और सेवरे कंट्रैक्शन इन द ग्लोबल इकोनॉमी तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो सेवरे कंट्रैक्शन जो है वो एक रिजल्ट है ऑफ द मेसिव शट डाउन मिजर्स इवोक् अक्रॉस द वर्ल्ड टू कंटेन द करोना वायरस पैंडमिक तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है दैन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हैोना वायरस जो है कोरोना uh, वायरस का जो स्प्रेड जो है वो अभी एसिमटमिक जो पीपल जो है उनसे मतलब uh, नहीं फैलता मतलब फैलना जो है वो बहुत ही कम होता है रेयर होता है तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है तो मारिया वैन केयर होवे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल लीड फॉर कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एंड हेड ऑफ द एमर्जिंग डिजीज है उन्होंने ये कहा है कि स्प्रेड ऑफ़ कोरोना वायरस यानी कोविड नाइन्टीन बाय दस हु डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ बींग इन्फेक्टेड बाय द वायरस सीम्स टू बी रेयर तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी एस के जरिए एन आइएल रिटर्न के जो फिलिंग जो है फॉर्म के जो फिलिंग है उसको फैसिलिटेट किया है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी अलाउ किया है टैक्स पेयर्स को कि वो अभी थ्रू एसएमएस जो अपना जो एन आइएल मंथली रिटर्न का फॉर्म है उसको फिल करे और ये जो है ये अभी ट्वेंटी टू लैख से भी ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अभी जी एस टी कंप्लियंस के इसको इम्प्रूव करेगी और मतलब ये आसान बनाएगी और फैसिलिटी ऑफ फिलिंग द एन आइएल फॉर्म सॉरी एन आइएल फॉर्म थ्रो एस एम एस जो है वो अभी जी एस टी एन पोर्टल में अवेलेबल होगा और ये जो पोर्टल जो है वो अभी यूजर्स को अपने रिटर्न को ट्रैक करने के लिए भी अलाउ करेगी तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एटीन बेंच ऑफ सी ए टी इन यू टी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में एटीन बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सी ए टी को लॉन्च किया है इनोग्रेट किया है सॉरी फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर और सी बेंच का ये जो स्थापना जो है वो अभी जम्मू के लिए ये अभी जो सेवरल जो कोर्ट्स जो है उनके बर्डन को रिड्यूस करेगी और ये जो बेंच जो है वो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो सर्विस मैटर्स है उसके साथ एक्सक्लूसिवली डील करेगी तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है है कोविड बी तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जितेंद्र सिंह ने जो है हाल ही में अभी कोविड बिप को लॉन्च किया है जो कि फ़र्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स और कोविड कोविड बिप जो है वो अभी कंटिनुअस ऑक्सीजनाइजेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ई सी आई एल ई एस आई सी पॉट है कोविड बिप जो है उसको आई आई टी हैदराबाद एंड एस मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया था और ये जो है ये अभी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पी जैसे जो रिसोर्सेस है उसको सेव करने में हेल्प करेगी और जैसे कि मतलब और इसी के साथ जो है जो कि ट्रांसमिशन रिस्क जो है उसको भी ग्रेटली रिड्यूस करेगी तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आसाम बागजान ऑयल वेल फायर तो नाइन्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी से बागजान ऑयल वेल जो है आसाम के वहाँ पे भीषण आग लगी हुई है और ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये जो वेल well जो है ये जो कुआं जो है इसमें अभी 27 मई 2020 से ये मतलब बह रहा है और इसमें से जो है 14 लास्ट 14 डेज से इसमें गैस लीक हो रही है और ये जो एक्सीडेंट है वो अभी ह्यूज डैमेजेस का कारण बना है जो कि अभी इसमें से गैस भी लीक हो रही है और इस साइड का जो स्मोक जो है तो धुआं जो है इस साइड का वो अभी टेन किलोमीटर रेडियस से भी इसको देखा जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स जो है वो अभी फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हेल्प कर रही है और इंडियन आर्मी भी पहुँच गया है अभी उस जगह पर और वो भी ऑपरेशन में है और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम जो है उनको अभी गैस लीक के टाइम से ही वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है तैनात किया गया है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेपाल के जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट बिल है फॉर न्यू मैप ये उससे रिलेटेड टॉपिक है तो नाइन्थ जून 2020 को डिस्कशन के लिए नेपाल के पार्लियामेंट जो है वो अभी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट बिल को लेने के लिए तैयार है और उसके डिस्कशन को लेने के लिए तैयार है और इसको जो है अभी इसने जो है अभी एक न्यू पॉलिटिकल मैप प्रपोज किया है जिसमें इंडियन टेरिटरीज शामिल है और बिल को जो है फर्स्ट उसको पार्लियामेंट में जो थर्टी फर्स्ट मई टू थाउजेंड ट्वेंटी को नेपाल इज लॉ मिनिस्टर शिव म बहंगफे उन्होंने इसको पेश किया था तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेरीडिक लेबर फोर्स सर्वे तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने जो है हाल ही में पेरीडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज़ किया है और सर्वे के अकॉर्डिंग जो आ, मतलब रूरल इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड्स हैं उनके परसेंटेज अभी 2019 में 52.2 परसेंट से घटकर 51.7 परसेंट हो गई है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अनन्या डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रेड जो है उसको अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है इसको तो पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने जो है अभी कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन से फाइट करने के लिए मतलब उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक जो डिस स्प्रे बेस्ड एक जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया है Uh, और ये जो स्प्रे जो है इसका नाम अनन्या रखा गया है और इस स्प्रे को कॉमन मैन या हेल्थ केयर वर्कर्स सभी यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है बड़े पैमाने में भी इसको यूज़ किया जा सकता है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर ऑफ इंडिया जो है वो टेंथ जून 2020 को आयोजित किया गया है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो लगभग 200 इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जो है अभी एक जो फ़ोर डे वर्चुअल फेयर है उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा होस्ट किया गया है और एक्सपोर्टर्स जो है वो मेनली uh, जो कि फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज है उनके इंडस्ट्रीज से मतलब ये लोग हैं और ये लोग थे और फोर डे फेयर जो है उसको अभी ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था जिसका फोकस यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मार्केट्स में थे और फेयर जो है ये जो फेयर जो है वो अभी उसने अभी जो कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रुपीज ऑफ 153 फिफ्टी है उसको जनरेट किया है इस फेयर ने और सभी जो सेलर जो है उनको अभी एक वर्चुअल स्टॉल प्रोवाइड किया गया था तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चाइना का जो न्यू रिकॉर्ड है हाल ही में ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो एक जो मतलब चाइना के जो एक जो अननेम्ड अनमेंट अनमेंड सबमर्सिबल चाइना का एक जो है उसने अभी जो कि वर्ल्ड का जो डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच है उसके टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवन मीटर्स के डीप डाउन को डाइव किया है उसमें मतलब डाइव किया है इसमें इतनी गहराई में उन्होंने और एक जो साइंटिस्ट का एक जो टीम जो है वो अभी ट्वेंटी थर्ड अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी को एक एक्सपेडिशन के लिए वो रवाना हुई है और रिसर्चर्स जो है उन्होंने भी डीप सी डाइविंग ऑपरेशन के दौरान जो मतलब अकाउस्टिक डिटेक्शन वीडियो ट्रांसमिशन हाई प्रेसेशन डेप्थ डिटेक्शन को टेस्ट किया है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर बिट वर्थ यू एस डॉलर सिक्स बिलियन उन्होंने जीता है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो अदानी ग्रीन, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ब्रड जीता है और ग्रुप जो है वो अभी एक जो फोटोवोल्टिक पीवी वी पावर प्लान्टफ़ एट थाउजेंड मेगावाट जो है वो बिल्ड करेगा और जो कि एक जो डोमेस्टिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट है उसको उसकी स्थापना करेगी विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रफली राफली सिक्स बिलियन डॉलर तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोलर एक्लिप्स 2020 तो 21 जून 2020 को जो है एक जो एनुअल सोलर एक्लिप्स है वो अभी विजिबल uh, होगा और सोलर एक्लिप्स जो है वो तब होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में से जो है चंद्रमा जो है वो पास होता है मतलब पार होता है तब ये होता है और एक्लिप्स जो है एक्लिप्स विल ऑकर ऑन द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर ऑलमोस्ट सिक्स ईयर्स एंड ये जो है ये अभी जो नॉर्दर्न इंडिया के जो कई जो पार्ट्स जो है कई जो हिस्से जो है वहाँ पे ये विजिबल होगा तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है दैन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईसीसी ने जो है अभी इंटरिम रेगुलेशन चेंजेस को अप्रूवल दिया है तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई ने जो है अभी बॉल को शाइन करने के लिए जो सलीवा का जो यूज़ है मतलब जो लाड का जो यूज़ किया जाता है उस पर एक बैंड इसमें जो शामिल है मतलब आ, उसके लिए मतलब सॉरी आईसीसी ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है अभी इंटरिम चेंजेस टू इट्स प्लेइंग रेगुलेशंस में जो है अप्रूवल दिया है जिसमें अभी जो कि बॉल को शाइन करने के लिए जो लार्ज जो लगाया जाता है जो यूज़ किया जाता है बॉल के ऊपर तो उसके एक बैंड भी शामिल है इसमें और आई चीफ एग्जीक्यूटि कमेटी सी ने जो है सी जो है वो अभी आ, जो कि अनिल लेट क्रिकेट कमेटी से जो रिकमेंडेशंस जो है उसको रेटिफाई किया है और जिसका एम अभी विच वेयर एम एट लेसनिंग द रिस्क पोस्ट बाय कोरोना वायरस और ये जो है अभी जो कि मैच ऑफिशियल्स और प्लेयर्स के जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और व्हेन क्रिकेट रिज्यूम्स तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो आज के लिए इतना ही है कल हम भी मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए सो प्लीज़ की वॉचिंग और वीडियोज़ और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा और हमारी वेबसाइट को भी देखना प्लीज़ मत भूलिएगा सो प्लीज़ की वॉचिंग और वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टेक केयर जय हिंद